प्रमुख बलबीर छिल्लर पर हमले से जुड़ी खबर मिल रही है। एक महिला और एक युवक ने गाड़ी के शीशे तोड़े, मुंडावर थाना क्षेत्र के चिरूनी नदी की घटना है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रमुख मामला दर्ज कराने के लिए मुंडावर थाने में पहुंच चुके हैं। तस्वीर जरा देखिए, उस महिला और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें यहां पर कर रहे हैं, जरा देखिए, कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्स्ट इंडिया पर ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं अश्विनी, ये वीडियो हम देख रहे हैं। एक युवक कार पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है क्या, या फिर उसको किस बात का दुख है, किस बात की रंजिश उसकी जिला प्रमुख से? देखिए, पुलिस का भी ये कहना है कि शायद जो युवक है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह वीडियो में भयावहता दिख रहा है, गाड़ी पर चढ़कर जिस तरह वो तोड़ फोड़ कर रहा है, हालांकि जो जिला प्रमुख है उनके कपड़े फट गए इस बीच बचाव में। बड़ी चोट तो कोई नहीं आई, लेकिन जब कोशिश की और जब नहीं माना तो फिर वो छोड़कर दूर चले गए और फिर उसने गाड़ी में तोड़ फोड़ की। मौके पर जो लोग एकत्रित हुए, उन लोगों ने मनाने की कोशिश की, बीच में कुछ लोगों ने उसको मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन एक महिला का भी नाम आ रहा है, महिला भी साथ में थी, पहले शीशे तोड़े गए। बताया जा रहा है कि ये जो महिला है, ये युवक की माँ है, ये दोनों माँ बेटे साथ थे। पहले ऐसा भी कहा गया है कि पहले इन्होंने जिला प्रमुख से लिफ्ट मांगी कि हमें वहां तक जाना है। उन्होंने जब लिफ्ट दी, रास्ते में कुछ बात हुई तो जिला प्रमुख नीचे उतर गए और फिर युवक ने तोड़ फोड़ की। पुलिस का यह कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ऐसे कारण से उसने मारपीट की है। मुकदमा दोनों के खिलाफ जिला प्रमुख की ओर से दर्ज कराया जा रहा है और पुलिस दोनों को डिटेन। ठीक है, राहत की बात है कि चोटें इसमें ज्यादा नहीं आई है या चोट लगी नहीं है, ये राहत वाली बात। अश्विनी, शुक्रिया जानकारी के लिए।